सारे बच्चा पार्टी है यहाँ पे हमारे न्यू बंजारा मार्केट के, और ये बहुत खुश है मुझे देख के। हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता खत्री एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको पूरा टूर करवाने वाली हूँ न्यू बंजारा मार्केट का। और ये जो मार्केट है ये सेक्टर 70 आप कह सकते हैं 65 के आसपास है। इसकी पूरी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो लोकेशन से मेरा मतलब है कि अगर आपको ये नया बंजारा मार्केट विजिट करना है तो एग्जैक्टली आपको कौन सी रोड लेनी है और कहां से एग्जैक्टली आपको टर्न करना है इन ऑर्डर टू रीच टू दिस मार्केट, ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और अगर आप बंजारा मार्केट के बारे में नहीं जानते हैं तो लेट मी टेल यू कि एक घर को सुंदर बनाने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। आई मीन टू से कि यहाँ पे होम डेकोर, फर्नीचर, क्रॉकरी, एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक अबाउट टू मेक योर होम लुक ब्यूटिफुल इज अवेलेबल। और ये जो मार्केट है नया मार्केट, आप पहले आपने ज़रूर विजिट किया होगा, सेक्टर 56 के आसपास ये पहले मार्केट था। अब ये पूरा मार्केट धीरे धीरे इस नए लोकेशन में शिफ्ट हो रहा है और यहाँ पे अभी करीबन 400 शॉप्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, जिसमें से 200 में लोग आ चुके हैं। और धीरे धीरे सारे जो बंजारा मार्केट के जितने भी शॉपकीपर्स हैं वो ये सारे यहाँ पे धीरे धीरे आ जाएंगे। इस सीरीज में आपके साथ शेयर करूँगी पहले कुछ शॉप्स का कलेक्शन, और इसके बाद जो फॉलोअर सीरीज होंगी उसमें बाकी शॉप्स का कलेक्शन मैं आपके साथ शेयर करूँगी विथ prizes. So don't forget to subscribe to the channel and do like and share this video with your family, friends and let's get started. तो आपको लेनी है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और आपको उस टर्न तक पहुंचना है जहां से टर्न करके लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल आता है। ये जो सामने आप टर्न देख रहे हो ये जाता है लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल की तरफ, लेकिन हमें उस टर्न को नहीं लेना है, हमें उसके जस्ट अपोजिट साइड में जो टर्न है जो कि बहुत विजिबल टर्न नहीं है, हो सकता है आप इसे मिस कर दो या आपने कभी देखा नहीं होगा, इस टर्न से आपको सीधे सीधे जाना है और यहाँ से आपका जो है न्यू बंजारा मार्केट आता है। और इसी मोड़ पे एक साइन बोर्ड भी है जिसमें लिखा हुआ है बंजारा मार्केट का एड्रेस, लेकिन ये इतना छोटा बोर्ड है कि हो सकता है आपको दूर से जब आप टर्न कर रहे हो तो ये विजिबल ना हो। सो आपको यही रोड लेनी है और सीधे सीधे इसी रोड पे चलते चलना है तो यहाँ से आपका बंजारा मार्केट आ जाएगा। ये पूरी रोड का मैं क्लिप अटैच कर रही हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए कि कितना आपको डिस्टेंस तय करना है, ये रोड कैसी दिखती है, क्योंकि ये बिल्कुल पतली सी रोड है और बहुत मेन रोड में नहीं आती है, ये अंदर की रोड है तो ये कई बार लोग नहीं लेते हैं जनरली, तो ये हो सकता है आप रोड मिस आउट कर जाएं। तो यहाँ रोड पे बिल्कुल सीधे सीधे आपको चलना है, तो इस रोड पे जब आप चलोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे बंजारा मार्केट दिख जाएगा। और बंजारा मार्केट बहुत विजिबल है तो ऐसा नहीं होगा कि आप उसे मिस कर दो, क्योंकि वो बिल्कुल इस रोड के आसपास कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट सीधे वहाँ जब आप जाओगे तो सीधे आपको बंजारा मार्केट ही दिखेगा। तो ये देख रहे हो आप लेफ्ट साइड में आपके बंजारा मार्केट आ जाता है। सो सबसे पहले ये है शॉप नंबर 1 जहाँ पे क्रॉकरी के ऑप्शंस थे। ये जो आप देख रहे हो ब्लू कलर का 3 का जो ये सेट है ये 850 रुपीज़ कोटेड प्राइस था। इसके अलावा कॉफ़ी कप्स जो हैं वो 100 रुपीज़ में थे, बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल से ये वाले जो कप है मुझे बहुत अच्छे लगे, 100 रुपीज़ ईच। यहाँ पे 100 रुपीज़ से लेके 850 रुपीज़ तक के पूरे आइटम्स अवेलेबल थे। नेगोशिएबल प्राइजेस हैं तो अगर वो आपको 800 रुपये कोट करते हैं तो आपको थोड़ा सा उनको नेगोशिएट करके कम करवाना ही पड़ेगा। इस शॉप के जस्ट एडजेसेंट शॉप में ही कुछ फर्नीचर के ऑप्शंस थे। ये डाइनिंग टेबल विथ चेयर्स 30,000 कोटेड प्राइस, मिरर 800, इसके अलावा जो क्रॉकरी कैबिनेट्स होते हैं वो 8,000 कोटेड प्राइस था इन कैबिनेट्स का, और थोड़े बहुत सेंटर टेबल के ऑप्शन थे 5,000 की रेंज में। और इस शॉप के जस्ट अपोजिट साइड में सामने की तरफ एक शॉप थी जिसमें वुडन जो यूटेंसिल्स होते हैं और जो वुडन चॉप बोर्ड्स होते हैं और चकला होता है ये सारे कुछ ऑप्शंस थे। ये स्टार्टिंग थी इसकी 100 से लेके 300 350 तक की रेंज के, और ये बहुत ही सुंदर से बने हुए थे और फिनिशिंग इनकी बहुत अच्छी थी, ऑल्दो इन्होंने रखा बड़े अजीब से तरीके से हैं बट इनकी फिनिशिंग अच्छी थी। और इसी शॉप में सैटी के बहुत अच्छे प्रिंट्स के ऑप्शन थे जो कि 1,000, 1,200, 1,500 तक की रेंज के थे, और ये सारे जो डेकोरेटिव पीसेस हैं ये भी 1,000 तक की रेंज के हैं। लैम्प जो हैं वो 500, 600 की रेंज के लैम्प्स हैं,
और इसके साथ ही साथ मतलब अच्छे खासे यहाँ पे ऑप्शन थे आपके डेकोरेटिव, जो बड़े बड़े जो वॉल के जो डेकोरेशन में यूज़ होती है ना पीसेस, वो भी 1000 रुपये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में था। और इसके अलावा यहाँ पे एक झूला रखा हुआ था जो कि उन्होंने काफ़ी हाई प्राइस कोट किया था, दैट वाज 5000 फॉर दिस पिंक झूला। आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू दिस वन पिंक झूला। प्राइस तो उन्होंने जो भी कोट किया, और मुझे लगता है फाइनली वो 1.5 से 2000 तक का ये दे देंगी। तो यहाँ पे सैटी के कुछ ऑप्शंस अच्छे थे और डेकोरेटिव पीसेस थे। और ये जो आप चेयर देख रहे हो, 3000 की दो चेयर उन्होंने कोट की थी प्राइस, और टेबल 1000 रुपये का। ये हस्बैंड वाइफ है, इनकी अभी भी शादी हुई है और बहुत ही सुंदर कपल है, और इन्हीं की शॉप में मैं हूँ अभी, ठीक है। और यहाँ का कलेक्शन हम देखेंगे। दीदी प्राइस बताते हुए चलो, ये वैसे रेट तो इनका 100 रुपए के हैं ये कप्स, और ये पीछे जो व्हाइट वाला है ये वो, और ये वास है ना, हाँ बड़े वाला 500 का है, छोटा 200 का है। ओके, और ये प्लेट्स, ये वाली प्लेट 200 की है, और ये सेट 600 रुपए का है। अच्छा, तीन का सेट है ना जी। तो ये बाउल्स और ये सारे जो है, ये इनका सेट 500 रुपए का, हांडी सेट का 600-700। अच्छा, हांडी ये ब्लैक वाला हांडी वाला है ना, तीन का सेट। और ये कप एंड ये 700 रुपए का प्राइस, और ये सर्विंग वाले जो प्लेट्स हैं 300। और इनके पास ये वास के भी अच्छे ऑप्शन थे, राइट फ्रॉम 100 रुपीज़ to 400 रुपीज़ डिपेंडिंग अपॉन साइज। इसके नेक्स्ट शॉप में ही कुछ लैम्प्स के ऑप्शन थे, 300-400 रुपए के ये लैम्प हैं। कारपेट कितने का है? और 1800। ये कितने का है? ये बेड के साइड में जो हम बिछाते हैं ना कारपेट जैसा ही, 800 का है ये। इसमें बहुत सारे डिजाइन हैं, 600 का है ये। ये सारे जो हैं 600-700-800 की रेंज के हैं, और बहुत अच्छे प्रिंट्स हैं इनके। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मुझे ऐसे पीसेस दिखे जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं, और ये सारे पीसेस जो हैं ये नियर अबाउट 400-500-600 ऐसे ही इनके कोटेड प्राइस थे। और हर जगह मैं बता दूँ आपको, कोटेड प्राइस जो भी हो आपको यहाँ नेगोशिएट करना ही पड़ेगा, क्योंकि दे ऑलवेज कोट हाई प्राइजेस। और इनके पास थोड़े बहुत बेड थ्रोस के भी ऑप्शन थे, 400-450 की रेंज में, जो कि मुझे ठीक लग रहे थे यहाँ पे प्राइजेस। ऑल्दो मैंने ये नोटिस किया यहाँ कुछ ना रैंडम तरीक़ों से रखे हुए हैं लोगों ने सामान, बहुत ऑर्गेनाइज वे में नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक एक चीज़ हटा के आप देखो कि कौन सा आपको एग्जैक्टली पसंद आ रहा है। तो आप देख सकते हो कुछ तो ठीक से लगे हुए हैं, कुछ ऐसे रैंडम भी नीचे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे यही कुछ जो साइड कारपेट्स होती हैं छोटी वाली, और बेड थ्रोस, इन सब के ऑप्शंस अच्छे थे यहाँ पे, और प्राइजेस भी ठीक थे। और उसके साथ ही ये शॉप थी जहाँ पे 1000 से लेके ये 1200 तक की रेंज के ये सारे शो पीसेस हैं। तो ये एक मुझे यूनिक जो सिर्फ इसी शॉप में अवेलेबल था, ये दो मशरूम जो है ये 300 रुपए के कोटेड प्राइस था। और यहाँ पे लैम्प्स का बहुत ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल थे, हर साइज़ के, हर डिज़ाइन के। और ये जो लैम्प्स हैं इनका जो कोटेड प्राइस था वो था 1000 से लेके 3000 तक के लैम्प्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका साइज़ क्या है। लेकिन लैम्प के ऑप्शन बहुत सारे थे इस पर्टिकुलर शॉप में। और यहाँ पे ज्वेलरी बॉक्सेस के बहुत ज़्यादा ह्यूज कलेक्शन था, छोटे से लेके बहुत बड़े बॉक्स तक का, और कलर्स का और वैरायटी का। और इनकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी थी, इनफैक्ट अगर आप गिफ्ट पर्पस से भी आप किसी को देना चाहते हैं, या ये पीसेज जो हैं वो एज डेकोरेटिव पीसेज भी यूज़ होते हैं। और इनकी जो कोटेड मतलब जो रेंज थी वो थी 400 से लेके 1500 तक की, ये सारे बॉक्सेस थे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शंस था विथ रिस्पेक्ट टू दीज ज्वेलरी बॉक्सेस। और इसके अलावा कुछ लैम्प्स के भी यहाँ पे ऑप्शन थे जो कि 700-800
हज़ार ये पेयर में लैम्प थे यहाँ पे, और ये सुंदर लग रहे थे देखने में। पार्टी वगैरह में कितने का है ये? ये मम्मी 1500 रुपए 1500 का। और ये हिरन सिंगल पीस 1800 रुपए का, एल्युमिनियम का है। एल्युमिनियम का सिंगल पीस 1800, बहुत सुंदर है। और ये लैम्प है ना ये? हाँ जी, इसमें लाइट वगैरह सब कुछ लगी हुई है। ये ग्रीन कलर है। अच्छा, कलर में आता है अलग अलग? कलर में आता है ये, लाइट कलर में। अच्छा, लाइट ऑलरेडी लगी हुई है। सो यहाँ बंजारा मार्केट में सबसे पहले तो जो शॉप्स हैं उनके नंबर्स कहीं लिखे हैं कहीं नहीं लिखे हैं। इन फैक्ट बहुत सारी शॉप्स ऐसी हैं जिनके शॉपकीपर्स को भी उनका नंबर नहीं पता है। तो नंबर से एग्जैक्टली बताना आपको या नंबर से आइडेंटिफाई करना शॉप को, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। एंड दैट इज वाई मैं आपको एक रफ आइडिया दे दूंगी कि मैंने कहाँ से एंटर किया था और कौन सी मैंने रोड की शॉप्स कवर की हैं। सो यहाँ पे एक बच्चों के लिए ट्रैम्पोलिन यहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे दो खाने पीने की यहाँ पे शॉप्स हैं, और उसके बाद ये जो आप रोड देख रहे हो जस्ट यहाँ से मैंने अपना वीडियो बनाना शुरू किया है। सो ये वाली जो पूरी सीधी रोड है ये पूरी मैंने कवर की है, और उसके बाद इस रोड से आप जाते चले जाएंगे तो इस रोड पे आप एंड पे जब जाओगे तो इसकी जो एंड पे एक शॉप है, ये जो सामने आप देख रहे हो ये मैंने कवर की है। और इसके बाद जस्ट जाके जो फर्स्ट ये वाला जो सामने वाला जो टर्न है, इस पूरी रो की मैंने शॉप्स कवर की हैं इस वीडियो में। फूड बेबीज हैं, कितने प्यारे हैं। आप लोग देखना वीडियो, ठीक है? आप दिखोगे। अब ये जो शॉप है, जो इसकी जो मैंने जस्ट लास्ट शॉप दिखाई थी उसके जस्ट अपोजिट साइड में सामने ये शॉप है। यहाँ पे जो लेडी थी वो शी वॉज़ नॉट वेल, वो रेस्ट कर रही थी तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर पाई और प्राइजेस नहीं पूछ पाई, मुझे अच्छा नहीं लगा। बट यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा एक रफ आइडिया दे दिया था मुझे, 1000 से लेके यहाँ पे 3000 तक के ये सारे डेकोरेटिव पीसेस थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे ह्यूज कलेक्शन लगा विथ रिस्पेक्ट टू बुद्धा मूर्तीज एंड डेकोरेटिव पीसेस, और बहुत ही मतलब उनकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी थी। तो दिस शॉप इज़ मस्ट, मुझे लगता है कि अगर आपको स्पेशली कोई डेकोरेटिव पीस लेना है और अच्छी क्वालिटी में लेना है तो ये शॉप बहुत अच्छी थी। एंड दिस हैड वेरी गुड ऑप्शंस। 1500 इसका तीन साइज है, एक छोटा, एक बीच वाला साइज और इससे एक बड़ा वाला साइज। ओके, बीच वाला साइज अभी खत्म हो गया इसलिए आपको बाद में हम वो दिखा देंगे। और ये साइकिल वाला शो पीस, ये शो पीस के लिए इसमें छोटे गमले आते हैं ना प्लांट, शो पीस के लिए इसमें रख के कहीं रख सकते हो। तो कितने का है ये? ये 500 रुपए का है। ओके, 250 या 300 के कम नहीं। और ये लकड़ी वाले वास, ये वाले जो बड़े बड़े 2500 रुपए के हैं। 2500। ये चेयर जिसमें आप बैठे थे, ये रॉकिंग चेयर है, डिसमेंटल हो जाती है ये। हाँ, इसको आप कहीं भी ले जा सकते हो। ये 8500। ये लकड़ी और लोहे की बनी है। और ये जो सेट है ना चेयर टेबल, और ये 9500 रुपए का सेट है। 9500 इसकी टेबल फोल्ड हो जाती है। टेबल फोल्ड हो जाती है, ऊपर का जो है ना वो अलग हो जाता है और नीचे का फोल्ड हो जाता है। डिसमेंटल भी हो सकता है चाहे फोल्ड भी हो सकता है। और ये झूला, झूला फोल्ड हो सकता है, इसकी चीज भी फोल्ड हो सकती है जी। आप कहीं भी ले जा सकते हो, चाहे इसमें कार। वैसे 18000 का है। 18000 का कोटेड प्राइस। ये 1500 रुपए का सेट है, दो का सेट है ये। हाँ, दो का। लास्ट आपको मिल सकता है ये 800 या 900 के आसपास। 800-900। और बड़ी बड़ी घड़ी है, बैल है जो घर के। ये क्या है? ये दराज है। अच्छा, इसमें कुछ भी रख सकते हो अपनी छोटी मोटी सामान। कितने की है ये दराज? ये दराज 3500 रुपए की। 3500। और ये घड़ी? ये घड़ी 4500 की है। ये सबसे बड़ा साइज है, 24 इंची की। 24 इंच। बहुत सारा यहाँ पे फर्नीचर है, आप जो भी देखना चाहते हो। टेलीफोन वर्किंग है, सही में? हाँ, सच में वर्किंग। कितने की है टेलीफोन? ये 4500 का। इसी शॉप पे मिरर का कलेक्शन था, 1500-2000-3000 इस रेंज में। बट यहाँ के मिरर्स मुझे अच्छे लगे, इनकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। और ये सेम वही शॉप है जहाँ से मैंने आपको झूले और बाकी कलेक्शन दिखाया है। और जैसा मैंने आपको कहा है, हर शॉप में जो ये कोटेड प्राइस है इससे आप कम से कम 40% कम ज़रूर कोट करिए, बिकॉज दीज ऑल आर नेगोशिएबल प्राइजेस।
यहाँ पे एंटीक ये जो वॉल क्लॉक्स हैं इनका भी थोड़ा बहुत ऑप्शन था। मंदिर के यहाँ पे ऑप्शन थे 2000 से लेके 7000 तक के, छोटे से लेके मीडियम बड़े साइज़ के मंदिर थे, और कुछ लकड़ी के बड़े बड़े वास थे यहाँ पे सामने इस तरफ सेम शॉप में। इसके नेक्स्ट शॉप में भी मैट्स का, सैटी का कलेक्शन और क्रॉकरी का कलेक्शन अच्छा था। सो ये शॉप्स ना कई बार किसी शॉप में कोई कलर आपको मिलता है, किसी और शॉप में कोई दूसरा कलर मिलता है, तो आपको थोड़ी शॉप्स चेकआउट करनी पड़ती हैं। यहाँ पे मुझे ये सोप होल्डर बहुत पसंद आया, इसके कलर्स भी बहुत अच्छे थे, बहुत ही सबटल कलर्स थे और बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, और 100 rupees इन्होंने मुझे फाइनल प्राइस बताया कि आई विल गिव इट इन 100 rupees। बहुत सुंदर कुशन है 400 के, बहुत ही अमेजिंग वैरायटी, बहुत ज़्यादा है। जैसे आजकल चल रहे हैं ना उसी तरीके के हैं ये कुशन के साथ विथ कवर, 400-500 की रेंज की है ये, और अच्छी वैरायटी है इनमें। और ये सेट ही है ना, ये कितने की है? ये 1200 की सेट है। 1200 का सेट है ये, ऐसे दब अच्छा, ये अच्छे हार्ड है मतलब। और ये कालीन है ना, कितने की है ये कारपेट्स? ये मैम 4x6 का है, 1800 रुपए। 1800 4x6 पर वाला हो जाए फिर डिस्काउंट भी हो जाएगा आपका। और ये ऊपर थ्रो है ना, थ्रोज है ना, 400 रुपए का। कोई सा भी 600 छोटा वाला, बड़ा 800 का है। और ये सारे आर्टिफिशियल सॉरी डेकोरेटिव आइटम्स हैं बहुत सारे। यहाँ पे मिरर भी हैं, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज है इन सबकी। एंड दैट्स द भैया, लैम्प्स हैं। ये ग्लोब कितने का है? 400 के ग्लोब, मतलब पेयर है कि सिंगल पीस? सिंगल पीस 400 रुपए का। और ये ब्लैक मिरर, ये जो सिंगल मिरर है ये 400 रुपए का। और सारे प्राइजेस जो मैं बता रही हूँ वो सब आपको नेगोशिएट करने हैं यहाँ जब भी आप आओ। और इसी शॉप में मुझे ये कॉफ़ी टेबल बहुत पसंद आया। इन कॉफ़ी टेबल्स की रेंज थी 1500 से लेकर के 3000 तक की, जो उनकी कोटेड प्राइजेस थे, और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। जो ऑनलाइन आपको 6-7 हज़ार मिलता है वो यहाँ पे आपको आराम से 2500 तक का मिल जाएगा। तो जो सेकेंड रोड की जो यहाँ पे फर्स्ट कॉर्नर वाली शॉप थी, ये है शॉप नंबर 84। यहाँ पे वॉल क्लॉक्स के बहुत अच्छे डिज़ाइंस के ऑप्शन थे, और इनका प्राइस था 800 से लेके 3000 तक का कोटेड प्राइस। इसके अलावा भी यहाँ पे और भी चीज़ों का कलेक्शन अच्छा था, बट ये जो है इनके बीच कुछ लड़ाई हो रही थी तो प्राइजेस मैं नहीं पूछ पाई, देवर एंगेज इन देमसेल्व्स, बट कलेक्शन अच्छा था इनका। अब ये पूरी लाइन है इधर पे, और उसके बाद ये शॉप थी जहाँ पे कारपेट्स के बहुत ऑप्शन थे, और ये जो कारपेट बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल रही थी, ये 2000 से स्टार्टिंग प्राइस थी इसकी, और इन्होंने कहा कि 8000 तक के हैं, बट मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे 2000-2500 को तक आपको बहुत अच्छे कारपेट पिक कर सकते हो आप। और यहाँ पे सैटी के भी ऑप्शन थे सेम प्राइस रेंज में। इसके अलावा ये लैम्प जो है ये भी 500 और 700 इन्होंने बताया मुझे इसका प्राइस। और इस शॉप में भी ऐसे रग्स और मैट्स के बहुत ऑप्शन थे, 1000-1500 तक की ये थी, मतलब ये कोटेड प्राइस था अगेन। इसके अलावा यहाँ लैम्प्स के भी ऑप्शन थे कुछ। सो जो कारपेट के प्राइजेस हैं, जैसे इन्होंने 2000 बताया, तो ये मुझे लगता है ये इनका फाइनल प्राइस था, बाकी में आप थोड़ा नेगोशिएट कर सकते हो। और इसके बाद थी शॉप नंबर 126, जिसमें भैया बिल्कुल रिलैक्स कर रहे थे और थोड़े डिसइंटरेस्टेड थे प्राइस बताने में, तो नो प्रॉब्लम। यहाँ पे योगा मैट थी 400 रुपए, सिर्फ इसी का मुझे प्राइस इन्होंने बताया, बाकी का नहीं। और इसकी नेक्स्ट जो शॉप थी वहाँ पे डेकोरेटिव पीसेस थे जो कि 1000 रुपए से लेके 3000 तक की इनकी रेंज थी। ये जो तीन जो टेबल का सेट है मार्बल वाला, ये जो था ये इन्होंने बताया मुझे 3500 रुपए का कोटेड प्राइस। और इसी शॉप में थे 1000 से लेके 3000 तक के वॉल डेकोर के बहुत अच्छे पीसेस, जो आप अगर आप मार्केट से लेते हो तो यार आपको आराम से 6500-7000 तक के पड़ते हैं ये। और ये यहाँ पे आपको 1000 से स्टार्टिंग रेंज थी अप टू 2500।
सो ये भी आप यहाँ से ज़रूर पिक कर सकते हैं, विच इज़ इन अ वेरी अफोर्डेबल रेंज। इसकी नेक्स्ट शॉप में भी एंटीक वॉल क्लॉक्स का बहुत अच्छा कलेक्शन था, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई भी नहीं था प्राइस बताने के लिए। बट इस शॉप का भी मुझे कलेक्शन मिरर्स का, वॉल क्लॉक्स का और डेकोरेटिव पीसेस का बहुत अच्छा लगा। इसके बाद जो नेक्स्ट शॉप थी वहाँ पे क्रॉकरी का बहुत अच्छा कलेक्शन था, राइट फ्रॉम कप्स, मग्स, प्लेट्स, सर्विंग स्पून और इसके अलावा अचार रखने के लिए बर्नी जो होती थी जो पहले लोग रखा करते थे वो भी था। सभी कुछ 100 रुपये से स्टार्ट होके वही 600-700 तक की रेंज का था। और ये जो प्लेट्स आप देख रहे हो 100 रुपीज़ की एक प्लेट थी। और कॉफ़ी मग्स का भी बहुत सुंदर कलेक्शन था, वासेस थे यहाँ पे छोटे और येलो कलर में भी थे जो कि दूसरी शॉप्स में नहीं थे वास येलो कलर में, और अच्छा कलेक्शन था यहाँ का। इसकी जो नेक्स्ट शॉप थी अकेली शॉप है जहाँ पे बैग मुझे मिला, हैंड बैग 250, इन्होंने कहा कि 250-300 में दे देंगी और ये शॉप नंबर इन्होंने 99 बताया है, बट आई एम नॉट श्योर क्योंकि ये मुझे खुद ही श्योर नहीं लग रही थी। ये भी एक बहुत सुंदर हैंड बैग था, ये लटका हुआ है। इसके अलावा और भी कुछ थोड़े बहुत बैग्स थे यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे डोर मैट्स और जो सिंपल मैट्स हैं उसके अच्छा कलेक्शन था, और टेबल रनर, सेंटर टेबल रनर और डाइनिंग टेबल रनर 100 रुपीज़ से स्टार्ट हो रहा था। ये जो आप ऊपर देख रहे हो ये सारे 100 रुपीज़ पर पीस था, और इसके अलावा भी और भी थे इनके पास जो कि 200-250 रेंज के थे। बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शंस था और ये बहुत अच्छी शॉप लगी मुझे विथ रिस्पेक्ट टू टेबल रनर। अब इसके बाद थी शॉप नंबर 122 जहाँ पे ये जो मिरर वाले जो आर्ट वर्क था वो बहुत अच्छी रेंज में और बहुत सुंदर डिज़ाइंस में अवेलेबल था। दिस वॉज ऑफ अराउंड 450-500 जो इन्होंने कोट किया प्राइस। सो इसकी रेंज भी बहुत अच्छी थी यहाँ पे, अगर आपको इस तरीके का कुछ लेना हो तो यहाँ से आप ज़रूर पिक कर सकते हो। इतना ह्यूज है ये मार्केट कि एक वीडियो में इसे कवर करना इट्स रियली इम्पॉसिबल। सो आज मैंने जो आपके साथ शेयर किया है ये एग्जैक्टली आप कह सकते हो कि दो रोड्स हैं जिनमें जो शॉप्स हैं वो मैंने शेयर की हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं बाकी की शॉप्स शेयर करूंगी। सो मुझे लगता है ये एक सीरीज ऑफ वीडियोज़ होंगी इन ऑर्डर टू शो यू द कम्प्लीट कलेक्शन। सो आने वाली वीडियोस में आपको मैं बाकी शॉप्स के कलेक्शन ज़रूर शेयर करूंगी। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।